फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल। तो दोस्तों, आज है आस्क पायल का एपिसोड नंबर 2 और मैं देने वाली हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर। तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो इतने क्वेश्चंस लेना पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगी जिसका क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है। बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उसका मैं आंसर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन बताती हूँ कि लोगों ने क्या पूछा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नूब गेमर्स पूछ रहे हैं, ये लिख रहे हैं, सिस्टर ये क्वेश्चन ज़रूर लीजिए प्लीज़। तो मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है। ये लिख रहे हैं, मुझे हमेशा यही सवाल रहता है मेरे माइंड में कि अगर यूट्यूब चैनल बनाऊंगा तो कौन सा चैनल क्रिएट करूंगा। तो देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं अच्छा करूंगा, तो वही टॉपिक पे आप चैनल बनाइए। आगे पूछ रहे हैं कि और मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा, तो जी आप जरूर बन पाएंगे, ये मेरी जो है मेरे को पक्का ही पता है कि आप जरूर सक्सेसफुल बनेंगे। लव यू सिस्टर, तो लव यू ब्रदर, थैंक यू। आगे आरके स्मार्ट टिप्स ने ये क्वेश्चन पूछा है, पायल दी आप इतना मोटिवेट कैसे रहते हो। तो मैं रहती हूँ मोटिवेटेड, थोड़ा सा ये मेरा नेचर में ही है। लोग इतना डिमोटिवेट करते हैं, इतना गंदा कमेंट करते हैं, उसके बाद भी इतनी अच्छी स्माइल देकर वीडियोस कैसे बना लेते हो। तो देखिए, ये तो मेरे को थोड़ा सा ये चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं। मेरे को लगता है कि जो मेरे हेटर्स हैं वो मेरी वीडियोस को देखते हैं, वही एक बड़ी चीज़ है। वो मेरी वीडियो को डिसलाइक करते हैं, डालते ही गंदे गंदे कॉमेंट करते हैं। तो भाई थैंक यू, आपने मेरी वीडियो पर एंगेजमेंट बढ़ा के रखा है, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, हेटर्स को भी। अब ये अगला क्वेश्चन जो है ये पूछ रहे हैं पीके इनसेन लायन, लिख रहे हैं हाउ इज़ योर लाइफ। तो भाई लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और आप बताइएगा कि आप सब लोग कैसे हैं, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दामिनी स्किल्स, लिख रही हैं व्हाट यू थिंक अबाउट यूट्यूब एंड व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट यूट्यूब पायल सिस्टर। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि YouTube काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। जो भी आप बोल अगर अच्छा सकते हैं तो आप अपने चैनल पे आके बोलिए, नाचना आता है तो नाचिए, सब कुछ आप कर सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, और आपको यहाँ पे काफ़ी वाइड ऑडियंस मिलती है। तो ये मेरे को YouTube के बारे में अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है, ये मेरे से पूछ रही हैं, माय क्वेश्चन इज़ मेरा अभी चैनल स्टार्ट किया है 1 month बिफोर, इतना इम्प्रेशन नहीं दे रहा है यूट्यूब, क्यों नहीं दे रहा है, ये पूछ रही हैं। तो देखिए, आपका चैनल नया है, तो जब चैनल हमारा पुराना होने लगता है तभी हमारी यूट्यूब वीडियोस का जो हमारी चैनल का जो इम्प्रेशन है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है जैसे जैसे हमारा चैनल पुराना होता है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब आपका चैनल पुराना होगा आपके चैनल का इम्प्रेशन भी बढ़ेगा, और CTR कम होता जाता है। जैसे जैसे इंप्रेशन बढ़ता है CTR थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रही हैं आफ्टर मोनेटाइजेशन लाइव करना सही है या नहीं मेरे चैनल के लिए, प्लीज़ बताओ। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि लाइव करना बहुत अच्छा रहता है। लाइव अगर आप अपने चैनल पे करते हैं तो एक तो ये है कि आपके सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, और दूसरा ये रहता है कि आपको वॉच टाइम काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है लाइव से। तो लाइव अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, आप ज़रूर करिए और अपने ऑडियंस के साथ बातचीत करिए। अब अगला क्वेश्चन है, मनोज पांडे लिख रहे हैं आप किधर रहते हो और आपका विलेज या सिटी कौन सा है। तो मैं बता देती हूँ कि मैं बिलोंग बिहार से करती हूँ, मैं बिहारी हूँ, लेकिन हम लोग रहते दिल्ली में हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा गांव में थोड़ा सा रोजगार का कमी था, तो हम लोग शुरुआत से ही यहीं पे रहे हैं, और पापा यहीं पे आके नौकरी कर रहे थे क्योंकि उधर नौकरी भी मिलना काफ़ी मुश्किल था। तो हम लोग रहते दिल्ली में हैं और पढ़ते भी इधर ही हैं, और मैं तो पैदा भी दिल्ली में ही हुई हूँ, बट स्टिल हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और अपने गाँव भी हम लोग जाते हैं, तो वहाँ से भी हमको थोड़ा सा मतलब संबंध पूरा हमने बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अपने मम्मी पापा को भी वीडियो में लाओ, तो मैं जरूर लाऊंगी अपने मम्मी पापा को भी। अभी तो अगर मेरी मम्मी वीडियो में आएगी तो मम्मी को भी नीचे बैठना पड़ेगा, है ना। तो जब भी मैं एक अच्छा सेटअप अपना बना लूंगी तो मम्मी को भी बता दूंगी, और फिर मम्मी भी मेरी वीडियो में आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू चैनल में 0 सब्सक्राइबर रहेंगे तो क्या व्यूज़ आएंगे, प्लीज़ रिप्लाई। तो हाँ जी, व्यूज़ आते हैं आपके, अगर आपके 0 भी सब्सक्राइबर हैं, आप लगातार वीडियोस डालते रहेंगे तो आपके व्यूज़ आएंगे, क्योंकि मेरे भी 0 ही थे, और आई थिंक हर किसी के 0 ही होते हैं, मगर धीरे धीरे आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आते हैं। तो एक काफ़ी क्वेश्चन जो था वो कॉमन था, मैंने देखा काफ़ी सारे लोगों ने एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि भाई, काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे हु इज़ योर इंस्पिरेशन दी, आप मेरे को ये बता दीजिए, आपका आइडियल कौन है आप मेरे को ये बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारे आए थे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा इंस्पिरेशन जो है वो है, उनका नाम है कैरी मिनाटी, आपको पता होगा उनके बारे में। तो वही मेरे सबसे ज़्यादा मतलब जो अगर यूट्यूब पर मेरे को कोई पसंद है तो वो कैरी मिनाटी ही है, और मतलब बहुत ही अच्छा मेरे को अजय नागर जी लगते हैं। तो क्यों लगते हैं, उसके पीछे भी एक रीज़न है, एक तो वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, तो बहुत ज़्यादा मेरे को वो इंस्पायर करते हैं। मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा आपके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं यार, तो वो चीज़ आपकी मेहनत दिखाती है कि आपने कितना ज़्यादा मेहनत किया है तब आपके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हुए हैं। 22 साल की उम्र में जब लड़के इधर उधर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहते हैं, उस उम्र में इस लड़के ने इतना कुछ करके दिखाया है, तो वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन होती है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर करते हैं। अब तक उनके चैनल पर जितनी वीडियोज डली है मैंने सारी देखी है, और मैं काफ़ी टाइम से उनकी वीडियोज देख रही हूँ, कैरी मिनाटी वाले चैनल पर जितनी भी है सारी देखी है, और ऐसा नहीं है एक दो बार मैंने देखी है, कई बार मैंने उनके चैनल की वीडियोज देखी है,
इवन जो एक वो वाली वीडियो थी जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे गानों को रोस्ट किया था, एक में भोजपुरी गानों को रोस्ट किया था और एक में काफ़ी सारे गानों को रोस्ट किया था, जैसे बुलबुल का बच्चा, बुलबुल का बच्चा भी हो गया। तो ऐसे ऐसे जो उनके मतलब बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उनकी वीडियोज़ मैं काफ़ी देखती हूँ और कई कई वीडियोज़ तो मैं बहुत बार देखती हूँ। जैसे अगर मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस लगता है या मैं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार मैं थक गई हूँ, तो मैं हमेशा उन्हीं की वीडियो देखती हूँ। कोई भी बॉलीवुड एक्टर से अच्छा मेरे को वही लगते हैं सबसे ज़्यादा। तो एक कैरी मिनाटी हो गए, वो ऑल टाइम फेवरेट यूट्यूबर हैं। जब से मैं यूट्यूब पे नहीं थी, सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं उनको फॉलो करती हूँ और काफ़ी अच्छी उनके वीडियोस मेरे को लगती है। यहाँ तक कि अपने उनकी जो पिक्चर्स है वो भी मैं अपने व्हाट्सअप पे शेयर करती रहती हूँ, अपने मतलब स्टेटस वगैरह पे। तो जो मेरी फ्रेंड्स है वो भी लगाती है, उनको भी वही पसंद है। तो गुस्सा आता है ना, तुम मत लगाओ, तुम किसी और की लगा लो, लेकिन वो भी उन्हीं की लगाते हैं क्योंकि वो काफ़ी सारी लड़कियों के क्रश है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो वो मेरे को पसंद है। दूसरा, अगर मैं अपनी कैटेगरी में बात करूँ कि हमारी कैटेगरी में जो सबसे जो मेरे को अच्छे लगते हैं, तो उनका नाम मनोज डे है। उनका तो मेरे को इंट्रो ही बहुत अच्छा लगता है कि हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये मेरे को उनका बोलना बहुत अच्छा लगता है, जो उनकी स्पीड वो रखते हैं बोलने की। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से, मतलब बहुत अच्छा लगता है जो उसका स्पीड है और जिस तरीके से बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोनों मेरे ऑल टाइम फेवरेट यूट्यूबर्स हैं सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। ये पूछ रहे हैं कौन है, ये मेरे को पता नहीं है। तकनीकी विभाग, अच्छा हाँ, ये बोल रहे हैं यूट्यूब पर आने की कब सोची और क्यों। तो ये मैं तो थोड़े टाइम से सोच रही थी, तो उसके बाद मैंने बना लिया चैनल ऐसा ही कि थोड़ा कुछ ट्राई करते हैं। और पहली वीडियो में टैग डिस्क्रिप्शन भी लगाया था क्या? तो जी हाँ, पूरा भर भर के लगाया था डिस्क्रिप्शन और टैग, तो पूरा भर भर के लगाया था क्योंकि जैसे ही यूट्यूब पर आए थे यही सुन रहे थे, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन, और ये तीनों चीज़ों का ही नाम सुन रहे थे। तो हमने भी भर भर के अपनी वीडियो में लगा दिया, लेकिन कुछ मतलब उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, एस की आई टी आई रोजगार लिख रहे हैं, मीटअप रखो मैम दिल्ली NCR में। तो अभी जो है, अभी तो मेरे को पता है मीटअप रखूंगी तो दो लोग आएंगे, एक मैं और एक आप मेरे हिसाब से, और एक आध और थोड़े बहुत लोग आ जाएंगे, और उससे ज़्यादा कोई नहीं आने वाला है। तो इसलिए अभी मीटअप का कोई फ़ायदा भी नहीं है, है ना। अगला क्वेश्चन क्रिस्टल पलक ने पूछा है, तो काफ़ी क्यूट सा नाम है आपका, पलक अच्छा नाम है। तो इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इनका है वो तो मैं आंसर पहले ही दे चुकी हूँ, तो मैं भी सेकंड क्वेश्चन, आपका फेवरेट सॉन्ग। तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है यलगार, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, ये मेरे को बहुत अच्छा गाना लगता है। आपका फेवरेट कलर ब्लैक, फेवरेट फूड और आलू की पूरी, आलू की सब्जी और पूरी। और आप कहाँ से हैं, तो मैंने आपको बता दिया है मैं कहाँ से हूँ। आपका न्यू स्ट्रीट फूड का चैनल कब तक शुरू हुआ, तो इसके बारे में मैं सिर्फ सोचा है कि अभी शुरू करूँगी, लेकिन अगर मैं वही सोच रही हूँ कि अगर मैं स्ट्रीट फूड का चैनल बनाती हूँ और मैं अपना मोबाइल लेके जाती हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो स्ट्रीट फूड वाले भी मेरे को मना कर देंगे कि भाई तुम्हारे पास तो खुद का कुछ है भी नहीं, कैमरा वगैरह DSLR वगैरह, तुम्हारा क्या चैनल बड़ा होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मेरे पास कुछ कैमरा वैमरा हो जाएगा ना, तब मैं ये चैनल स्टार्ट करूँगी ताकि रिकॉर्डिंग भी अच्छे से हो। तो ये बोल रहे हैं रजनीश मान, दीदी टॉपिक चेंज करो अपने सब्सक्राइबर से। तो जी हाँ, मैं अपना जरूर टॉपिक चेंज करूंगी, अगर आपने बोला है तो मैं कुछ और भी अपने चैनल पे ट्राई करूंगी। अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं दीदी एक क्वेश्चन का इनको जवाब चाहिए था, ये मेरे से पूछ रहे हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप ईमेल के थ्रू मिलती है या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू। तो मैं बता देती हूँ, मेरे को जो ईमेल्स जो आते हैं उसी से स्पॉन्सरशिप मिलता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू नहीं मिलता है। तो ये पूछ रहे हैं कैसे आपको पता चलता है कि फ्रॉड है कि नहीं। तो मेरे को पता चल जाता है फ्रॉड है या नहीं है, क्योंकि वो पता क्या कि मेरे को जो स्पॉन्सरशिप अधिकतर मिलती है ना, वो ऐसी होती है जो पहले ही काफ़ी सारे यूट्यूबर्स उसके ऊपर वीडियो बना चुके होते हैं, तो मेरे को पता चल जाता है कि अच्छा उन्होंने वीडियो बनाया तो डेफिनेटली फ्रॉड तो नहीं होगी कंपनी, तभी उन्होंने बनाया। कुछ जेन्युइन यूट्यूबर्स को मैं देखती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं भी बना सकती हूँ, तो मैं बना लेती हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं आपका ले लेती हूँ। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, आप अपना कमेंट सेक्शन बंद क्यों नहीं करती हो। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से अपना कांटेक्ट रखना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं अपना कमेंट सेक्शन बंद नहीं करती हूँ, वरना ऑप्शन तो है मेरे पास कि मैं कमेंट सेक्शन ही बंद कर दूँ, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, है ना। तो वो इसके पीछे यही बस एक रीज़न है। अगला क्वेश्चन माधव टेक्निकल का है, ये मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके मन में कभी आया है कि मैं भी एक बड़ी और अच्छी यूट्यूबर बनूं और पढ़ाई भी करूं। तो ये तो मेरे मन में डेफिनेटली रोज़ आता है, मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मेरा भी भाई एक अच्छा नाम हो जैसे कैरी मिनाटी का है, लेकिन उनके जितना तो कभी नहीं होगा, मेरे को पता है। जब मैं 22 साल की हो जाऊंगी तो मेरे को 2-4 लोग जानने लगेंगे, बस इतना मेरे को पता है कि 2-4 लोग से ज़्यादा मेरे को कोई नहीं जानेगा। तो मेरा डेफिनेटली मन किसका नहीं करता है, सबका मन करता है, और हम उसके ऊपर काम भी करेंगे। अगला क्वेश्चन ये मेरे से पूछ रहे हैं, गूगल एडसेंस का पिंग कितने दिन में आता है, 1 महीना हो गया अभी तक नहीं आया। तो मेरा भी 1 महीने में नहीं आया था, 1 महीने का काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद जो है मेरा आया था गूगल एडसेंस का पिंग, ठीक है ना। तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था, तो आजकल ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है जैसा अभी समय चल रहा है, मगर डेफिनेटली आपका आ जाएगा, आप रीअप्लाई कर दीजिए आपका आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन संजीव कुमार जी लिखते हैं, विल यू मेक वीडियोज ऑन गुड कमेंट्स 2.0? मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही, और आपने बोला है तो मैं डेफिनेटली जो है वीडियो बनाकर आप डालूंगी। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये काजल जी पूछ रही हैं, आपके चैनल पर व्यूज जाम हो गए हैं, सच रीजन बताना कि आप वही कंटेंट रिपीट करती हो, बाय द वे कीप ऑन। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि ये बिल्कुल सच लिखी है, किसी तरीके का ये झूठ नहीं बोली है, ये इन्होंने बिल्कुल सच बात बोला है कि व्यूज मेरे जाम हो गए हैं। तो इसके पीछे रीजन है, अभी पिछले कुछ समय से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर था। एक ये भी था कि मतलब मम्मी भी मेरी चली गई थी कहीं पे, मम्मी को जाना था घर से बाहर, तो कुछ दिनों के लिए मम्मी चली गई थी, तो पूरा घर भी मेरे ऊपर आ गया था कि घर का काम करना रहता था। दूसरा ये चीज था कि मेरा जो है एग्जाम है आपको पता है, तो उसका भी थोड़ा सा टेंशन रहता है। और तीसरा चीज है कि इन सारी चीजों के साथ यूट्यूब पे पूरा अटेंशन देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं बस ये सोच रही थी मैं कुछ भी वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दूं, जो कि बिल्कुल भी काम का नहीं होता है वीडियो, वो भी मैं बना के उठा के डाल दे रही थी बस अपनी वीडियो वो करने के लिए कि मैं डेली वीडियो डाल रही हूँ। तो वो चीज वहां पे मैंने गलती करी जिसकी वजह से व्यूज आने स्टक हो गए थे। बट डेफिनेटली जैसे ही मेरे एग्जाम खत्म होंगे अभी आने वाले फ्यूचर में, तुरंत मैं अपने चैनल पे पूरा फोकस करूंगी और मैं फिर से उसी स्पीड के साथ और उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ वापस आऊंगी जितना मैं पहले एनर्जेटिक रहती थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं पायल, ऐसे करके मैं वीडियोस बनाऊंगी थोड़े टाइम बाद, क्योंकि अभी थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, तो ये रीजंस है, मगर मैं डेफिनेटली वापस आऊंगी। तो इनका जो है कुछ लोगों ने रिप्लाई भी किया है, मगर मैं जो है यही है कि सब ये सच बोल रही हैं और मुझे कोई बुरा नहीं लगा इनके कमेंट का। जब ये सच बोल रही है तो भाई सच तो सच ही है, व्यूज जाम हो गए हैं, लेकिन हम डेफिनेटली अपने चैनल को दोबारा से उसी स्पीड से भगाएंगे जैसा हमने शुरुआत में भगाया था। और आप लोग भी इसी तरीके से सपोर्ट करिएगा, और सपोर्ट तो लोग करते हैं, अगर आप अच्छा मेहनत करते हैं तो सपोर्ट करते हैं। अब मैं पिछले कुछ समय से मेहनत कर ही नहीं रही हूँ अपने चैनल पर, क्योंकि स्ट्रेस बहुत था और एग्जाम वगैरह का तो मैनेज नहीं हो पा रहा था। और यूट्यूब पर अगर आप पूरा ध्यान नहीं देते ना, प्रॉपर अपना ध्यान नहीं देते ना, आपका एनालिटिक्स यूं जाता है, आपका एनालिटिक्स क्यों गिरता है मेरे दोस्त। और ये चीज मेरे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मेरे साथ अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ये घटना हुई है और अभी भी चली रही है ये घटना, क्योंकि अभी उस एनालिटिक्स को दोबारा से ऊपर उठाना काफी मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी और अपना एनालिटिक्स चैनल का दोबारा पहले जैसा ऊपर उठाऊंगी, और मैं उठाऊंगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो यही कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आंसर दिए हैं, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। और अगर आंसर नहीं मिला है तो मैं जो थर्ड वाला आज का एपिसोड पायल थर्ड नंबर का करूंगी, तो उस पर मैं आपके क्वेश्चन जरूर ले लूंगी, है ना। और बस, और जिनका क्वेश्चन नहीं लिया दोबारा से सॉरी 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 मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज सॉरी, मेरे से गुस्सा मत होना। और बस, थैंक यू सो मच।